चारधाम यात्रा पर आने वाले यात्रियों को अब पहाड़ी उत्पादों से बने भोजन और पेयजल पदार्थ आसानी से उपलब्ध होंगे। बुरांस और माल्टे के जूस को जिला प्रशासन पूरे यात्रा मार्गों पर उपलब्ध करवाने के प्रयास में जुटा हुआ है। साथ ही यात्रा मार्ग पर मौजूद होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों पर भी ये उत्पाद मिल सकेंगे। बहुत ही अच्छा लगा मुझको, मैंने ऐसा स्वाद किया कि ये सेहत के लिए बड़ा अच्छा है, शायद दिल के लिए, दिल को मजबूत करता है। और हाँ, मैंने एक बोतल ये साथ में ले ली है और मैं अपने घर में जाके घर वालों को ये पिलाऊंगा और मुझे उम्मीद है उनको पसंद आएगा। औषधीय गुणों से भरपूर बुरांस के जूस को आम पर्यटकों तक पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन अभी से जुट गया है, जिसके लिए प्रशासन ने कार्य योजना भी तय कर दी है। जैसे कि देखिए, हमारे जनपद रुद्रप्रयाग में भी कई ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं जहां पर कि बुरांश के अच्छे जंगल हैं और अच्छे वहां पर फूल होते हैं। तो इस वर्ष हम लोगों ने यह भी निश्चित किया है कि जो भी दुकानें हम केदारनाथ यात्रा मार्ग पर आवंटित करते हैं, उन दुकानों में जिस भी व्यक्ति को आवंटित होगी, ये उसमें प्रथम शर्त रहेगी कि लोकल जो हमारे फल हैं, लोकल हमारे फूल हैं, जैसे बुरांश है, इनके जूस को वो प्राथमिकता के आधार पर अपनी दुकानों में रखेंगे, जिससे कि यात्रियों को भी एक अच्छा स्वस्थ रहने के लिए भी एक अच्छा माध्यम मिलेगा और जो हमारे लोकल प्रोड्यूसर हैं, जो लोकल जूस बनाने वाले हमारे लोग हैं, उनकी आजीविका में भी सुधार होगा। प्रशासन की इस मुहिम से आमजन को औषधीय गुणों से भरपूर फल फूलों के रसों का स्वाद चखने को मिलेगा, तो वहीं स्थानीय बेरोजगारों को भी इसे रोजगार का एक प्रमुख जरिया मिलेगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए रुद्रप्रयाग से भूपेंद्र भंडारी की रिपोर्ट।